ये तस्वीरें आपको जेके एनसी ऑफिस से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त खुशियों का माहौल है और ढोल के साथ जो है यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, पटाखे जो है वो फोड़े जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखें यहाँ पर, बाकी जो गल करो लोगों के बारे, लोग बेरोजगार बच्चों के बारे गल करो, उन्होंने कोई जवाब नहीं कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बेरोजगार क्यों है। उन्होंने जम्मू के टूरिज्म की गल करो, उन्हें जम्मू के बिजनेसमैन की गल करो, उन्हें जम्मू की अपना होटल एसोसिएशन की गल करो, उन्हें जम्मू की ट्रांसपोर्ट की गल करो, उन्हें कोई जवाब नहीं। जम्मू के मुलाजम जड़े टेलीविजन सड़कों पर उन्होंने गल करो, कोई जवाब नहीं। अब जरा उन्होंने लोगों अगर तुम गल करो कि जनाब रैबरे खेल का के होया, रैबरे जंगलात का के होया, या एनवाईसी का के होया, आशा वर्कर का के होया, उन्होंने कोई जवाब नहीं। अगर वो जवाब नहीं देंगे, आज करगिल के लोगों ने जवाब दिता कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इतिहास वो दब्बा है जिन्हें जम्मू कश्मीर की तबाही पुटी है। 2005 अगस्त 2019 का जो फैसला सी, उस फैसले को करगिल के लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि साड़ियाँ जमीन महफूज नहीं हैं, साड़े बच्चों के रोजगार महफूज नहीं है। इस वास्ते अज जो रिजल्ट आया करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कांग्रेस ने स्वीप किया, वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले हो, आओ असेंबली इलेक्शन कराइए। अज तक हिमाचल पार हो, जिस दिन तुम असेंबली पास इलेक्शन कराया उस दिन तुम लखन पार हो गए। बीजेपी वाले नेता गला रहे आखा 2018 चुनाव हुए, एक्सपेरिमेंट कामयाब हुई है। बिल्कुल क्यों नहीं कामयाब, थोड़े सामने 12 नेशनल कांग्रेस नहीं है, 10 उन्हें अपना कांग्रेस ने लिए थोड़े सामने, मतलब इंडिया अलायंस एक खाली आज करगिल पे एक सिर्फ अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। और आने वाले टाइम हिंदुस्तान के अंदर भी इंडिया जो अलायंस बनया है ये भारतीय जनता पार्टी नो इस देश जो फाड़ के पार्टी बीजेपी ने सर, बीजेपी ने नेता कुछ मी सुना रहे कि हमारे 2018 जिले चुनाव हुए हैं उसे एक सीट जीती ही ते उन दो सीटा जीती आ गए असी आगे बढ़ते हैं। उन्हें कहो भैया तुम कह रहे हो कि अमन आ गया, शांति आ गई साड़ी, असी कश्मीर च फुल खिलाओगे। वो खुशबू कहने पहले करगिल का फुल खिला लेना सी जनाब, एक कश्मीर के फूल खिलाएंगे, कमल का फूल एक करगिल के खिलाएंगे। आज इन्हों का कमल जम्मू कश्मीर के अंदर भी खिलना बंद कर गया है, सिर्फ इलेक्शन कराने बस। जेड़े आखा चिंता नहीं करनी पौनी भी चिंता होनी, हूँ दिल्ली वाले पूछन जिस दिन जब तक रविंदर रैना और अशोक कौल बीजेपी के हैं तब तक वो समझो सानू आपोजिशन आई काम करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मुक जाने। जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े चेहरे लेह लागे के प्रचार करने वास्ते ताकि उत्थे बीजेपी की मजबूत किया जा, सेंटर के बड़े बड़े मिनिस्टर उत्थे पुज्जे दे के लगता है कि लोकां मैं ओही कह रहा कि करगिल एक छोटी जी 26 सीटां दी हिल काउंसल दी उत्थे इलेक्शन सी, सब तो पहले नेशनल कांफ्रेंस नूं उन्होंने सिंबल की लड़ाई लड़नी पई, सुप्रीम कोर्ट तो जाके असीं सिंबल लेना पिया, भारतीय जनता पार्टी ने पहले उत्थे साजिश की, उस तो बाद अज जिले क्या नाम है इलेक्शन का रिजल्ट आया। अज तुसी देखो जिले रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी टोटली कन्फ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूज इस कारण है कि उन्हें समझ नहीं होया कि उन्हें यह सोचा सी कि असीं लोकी करगिल च स्वीप करांगे। और देखो सब तो बड़ी बदकिस्मती कि दिल्ली तो यूनियन मिनिस्टर आए, उन्होंने कंपेन की, फिर एज कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस ने कंपेन ही नहीं की, इंडिया अलायंस ने कंपेन ही नहीं की, उस तो बावजूद भी ये रिजल्ट है कि टोटली स्वीप होया। उसे आज आने वाला वक्त है, अभी बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नूं आओ इलेक्शन कराओ असेंबली का, और याद रखेंगे वो कश्मीर के करेंगे, जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होनी है। और आने वाली सरकार जी है वो करगिल का इलेक्शन दस रहा है कि आने वाली सरकार जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, आने वाला चीफ मिनिस्टर जो इस रियासत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो गया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्यार है पार्टी ने सीटा उन्हें लेनिया ने, कने कने डबल इंजन की सरकार भी बना रही है, ये लग रहा है कि इस किस्म के नतीजे कल के सामने पांच सीटा पार भी करना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी नु को तुसी 50 दूर की गल है, पहले करगिल तक कर लेना सी, इसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक खवावा की पार्टी, एक कमेडियन की पार्टी आज बन के रह गई है, एक जोकर की पार्टी बन के रह गई है भारतीय जनता पार्टी। तुसी कहो कि भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिटिशियन की पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर, नहीं, वो एक कमेडी के लोग हैं, वो एक सर्कस के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ तमाशा करना आता है, गाने गा सकते हैं, वधिया डांस कर सकते हैं, वधिया नचने और नाच कर सकते हैं, लेकिन जम्मू के बेरोजगार बच्चों वास्ते उन्होंने कोई रोजगार नहीं है, जम्मू के टूरिज्म को बहाल करने वास्ते उन्होंने कोई जवाब नहीं है, जम्मू के बिजनेसमैन को उठाने वास्ते उन्होंने कोई रोज, उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी मनाई कि असी दरबार बंद किया, लेकिन दरबार बंद होने जम्मू के बिजनेसमैन को कितना नुकसान होया, जम्मू के होटलों को कितना नुकसान होया, जम्मू के ट्रांसपोर्टरों को कितना नुकसान होया, जम्मू के आम लोगों को कितना
आने वाला वक्त दसेगा। आज जम्मू की इकानमी खत्म हो गई है और जिस दिन ट्रेन कश्मीर गई उस तो बाद जम्मू कोई रुकेगा ही नहीं। इतने ड्राई फ्रूट दुकान खत्म हो जाएगी, इतने कश्मीर का जो प्रोडक्ट बिकता वो खत्म हो जाएगा। आने वाला जो अगर जो साल जो आने वाला टाइम है वो जम्मू वैसे बड़ा क्रूशल है, और अगर जम्मू के लोगों ने अपना बचाव करना है तो एक करगिल का रिजल्ट देखें। और मैं जम्मू के लोगों को अपील करूंगा, आओ नेशनल कांफ्रेंस ना जुड़ो, नेशनल कांफ्रेंस को ज्वाइन करो, और नेशनल कांफ्रेंस ही थोड़े बच्चों का भला कर सकती है, नेशनल कांफ्रेंस ही थोड़ा भला कर सकती है। बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी है, ये तो धोखा बड़ा वधिया कर सकती है लेकिन थोड़े मसले और मसाइल हल नहीं कर सकती, थोड़े बेरोजगार बच्चे ही रोजगार नहीं दे सकती। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देखिए जेके एनसी ऑफिस में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर खुशियों का माहौल है, ढोल बज रहे हैं और जेके एनसी के तमाम मेंबर जो है यहाँ पर नाचते हुए और यहाँ पर पटाखों के साथ जो है अपनी विक्ट्री को जो लद्दाख कारगिल में यहाँ पर जो है वो ली गई है और 12 सीटें जेके एनसी निकाली गई है और इसी को लेकर एक बड़ा जश्न इस वक्त चल रहा है। बड़ा जश्न आप देखिए यहाँ पर है और किस कदर यहाँ पर डांस करते हुए नाचते हुए और रतनलाल गुप्ता जी को जो है वो उठा लिया गया है और तस्वीरें आप देखें यहाँ पर तालियां बजाते हुए नाचते हुए जो है यहाँ पर विक्ट्री को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर जश्न का माहौल है। यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है यहाँ पर अपनी जीत को जो है वो सेलिब्रेट करते हुए और लगातार आप देखें यहाँ पर ढोल के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ पर एडवोकेट रतनलाल गुप्ता जी है, क्या कुछ उनका कहने सुझाव? आज जो माहौल है ये आप खुद देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस वक्त जबरदस्त जश्न चल रहे हैं। ये जश्न जो चल रहे हैं इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोगों ने साबित कर दिया है ये तानाशाही सरकार, ये अनडेमोक्रेटिक सरकार ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने तहैया किया हुआ है कि अब की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का बोल बाला है। और ये जो संदेश करगिल की जो इलेक्शन हुई है पूरा हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी कि बीजेपी की तानाशाही सरकार इस इलेक्शन में क्या कर रही है, कितने छोटे अचकंडों पे उतर आई थी, लेकिन आज करगिल के लोगों ने साबित कर दिया कि ये गुंडागर्दी वाली सरकार चलने वाली नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये जो पैगाम है करगिल का पैगाम पूरे देश में जाएगा और इंडिया जो अपोजिशन पार्टीज का एक समूह बना है, ये गठबंधन जो बना है ये उसकी पहली जीत में समझता हूँ। ये हमारे लिए और लोगों के लिए एक खुशी का मकाम है। आज हम चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे असेंबली के चुनाव करवाए जाए, लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए जाए, पंचायतों के चुनाव कराए जाए ताकि इनको पता चल जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया का ये ऐलान कर रहे हैं कि कश्मीर में इलेक्शन कराया जाए, क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें निकाल पाएगी? बीजेपी का जो दुवाला
पूरी जम्मू हिंदुस्तान की सरकार लगी हुई थी करगिल में। जो दुआला निकला है बीजेपी का वो आपके सामने है। आज इलेक्शन हो जाए, मैं समझता हूं कि बीजेपी 5-6 सीटों से ज्यादा ले नहीं पाएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। ये जो मेहनत है जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर, ये मेरे कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की मेहनत है। लोगों ने साबित कर दिया कि आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, जनाब डॉक्टर फारूक साहब की तरफ देख रहे हैं, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ देख रहे हैं। वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर कोई इस दलदल से निकालेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है। बीजेपी कह रही है कि अगर आज भी जम्मू कश्मीर में नेशनल तो 50 के पार करेंगे। जिंदाबाद। जो आप कह रहे हैं 50 के पार, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। अगर आज भी वो ये कहते हैं कि 50 के पार है तो मैं इससे ज्यादा शर्मिंदगी इनको महसूस करनी चाहिए कि देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर क्या हो रहा है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज 12 बजे जो अनाउंसमेंट हुई है 5 स्टेटों की इलेक्शन की, उसमें इंडिया देश अपोजिशन वही कामयाब होगी और 5 की 5 स्टेटों में ये हमारा जो गठबंधन है वही कामयाब होगा और जीतेगा। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ऑफिस में जश्न का माहौल है। झंडे हाथों में लेकर के यहाँ पर जो है जाते हुए जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं माहौल जो है इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखें यहाँ पर, ये सीधी तस्वीरें JKNC ऑफिस से। तो हमारे साथ यहाँ पे अमन जी, इनसे भी बात करते हैं। संदेश है जो लोग बोलते थे कि 80% लोग जो हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते, हमारे एक ही खित्ते के लोगों ने उनको ये मुंह तोड़ जवाब दिया है। JK नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर इन चुनावों में सामने आई है और ये वो पार्टी है जिसको चुनाव चिन्ह लेने के लिए अपना सुप्रीम कोर्ट का दामन थामना पड़ा और उसके आने के बाद हमारी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर और ये लद्दाख के रिजल्ट जो आपके सामने आया, अगर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर पे भी रिजल्ट होते हैं तो वहाँ पे फिर 2 मिली है, यहाँ पर इनको 1 भी नहीं मिलेगी। भैया आगे आगे देखो, होता है क्या, जिन्होंने चिंता नहीं करने के लिए बोली थी उनको बोलो चिंता करो आप जरूर। ये लद्दाख वालों ने बता दिया 2 से 3 ही पहुंचे, 50 बड़ी दूर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए यहाँ पर JKNC के तमाम लोग जो है यहाँ पर खुशी का इजहार करते हुए और ढोल के साथ यहाँ पर डांस करते हुए नाचते हुए जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें आप देखें यहाँ पर तमाम JKNC के कार्यकर्ता जो है इस वक्त जो है वो मौजूद हैं।